अभी बताओ, जिन अजीत पवार को आप कहते थे कि वो भ्रष्टाचारी हैं आपकी पार्टी के, जिन हेमंत बिस्वा शर्मा को आप कहते थे वो भ्रष्टाचारी है आपका मुख्यमंत्री है, जिन छगन भुजबल जी को आप कहते थे उन्होंने महाराष्ट्र सदन में इतना बड़ा घोटाला किया है वो आपके मंत्री हैं, कितने के नाम गिनाओगे? ऐसा कौन सा भाव सिंह पार्टनर है आपके पास कि उधर से भ्रष्टाचारी आया और आपकी पार्टी में आते ही बॉस होके एकदम नीट एंड क्लीन हो गया? इंडिया हो चुका है जी, कैसे देख रहे हैं 2024 का चुनाव? जो पिछड़ों की, दलितों की, शोषितों की बात करेगा वही इस देश पे राज करेगा, ये इस नजरिए से हम देख रहे हैं। तो ये जो इंडिया गठबंधन बना है जी, इसमें बात हो रही है दलितों के? अभी 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 ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हो रही है, जितने भी OBC के और SC ST के जितने भी दल हैं वो उसमें शामिल हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं अभी उनको भी ऐसा बोल रहे हैं, वो लोग उनको भी शामिल करने का प्रयास चल रहा है, हम तो बधाई देते हैं सब लोग साथ में शामिल होते हैं, शामिल हो रहे हैं, लेकिन आपको तो लोग छोड़ छोड़ चले जा रहे हैं, चाहे वो मांझी हो चाहे वो राजभर हो, सारे लोग रामविलास उनके चिराग पासवान हो, ये एक व्यक्ति से समाज नहीं होता है, एक व्यक्ति कहाँ, समाज से व्यक्ति होता है, पासवान है उनके चाचा है। अब ये बताइए उसके अलावा नीतीश कुमार तो हैं, लालू प्रसाद यादव जी तो हैं, उनसे ज्यादा मजबूत हैं क्या वो? एक म्यान में दो तलवार कभी रह नहीं सकती, आप समझते हैं ना कहावत है, एक म्यान में दो तलवार कभी रह नहीं सकती, जब एक व्यक्ति का जब वर्चस्व होता है, जब दो दो पार्टियां वहां बड़ी हैं तो ये लोग क्या करेंगे, इनके पास रास्ता क्या है? तो ये सोच रहे हैं कि हमारी नई दुकान NDA में जाके जम जाए, तो जमाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज, OBC SC समाज समझ चुका है, मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं OBC महासभा का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ, लेकिन मैं यही कहता हूँ इस बार समाज ये देख रहा है कि जो सच में OBC SC ST की बात करेगा, जो बहुजन मूवमेंट की बात करेगा, वही इस देश पर राज करेगा, और ये इंडिया में भी जो हम तो ये कहते हैं उन नेताओं से, इंडिया में बहन मायावती जी रह गई हैं, आप उनको भी शामिल करिए, और भी जो दल नेता ही नहीं दिया जा रहा है। देखिए अब ये ना तो मैं नोता देने वाला हूँ, ना नोता मेरे सामने आए जो मैं कह सकूँ नोता देने वाला नहीं, ऐसा संभव नहीं कि नोता ना दिया जा रहा होगा, यदि नोता ना दिया जा रहा हो तो मैं उनसे आगाज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यदि आप ऐसे लोगों को छोड़ के करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप सरकार बना पाओगे, आप अपना प्रयास करिए, यदि उसके बाद भी यदि कोई आपके साथ नहीं आ रहा है तो बहुजन समाज आपके साथ रहेगा, उन्हें पता है कि वो आपके फिर हैं नहीं, वो आपके विरोध में काम करना चाहते हैं तो समाज उनको भी ठुकरा देगा, लेकिन आपको अपना प्रयास करना चाहिए, समाज को दिखना चाहिए कि आपने प्रयास किया है उनको मनाने का, लेकिन उसके बाद भी यदि समाज के कहने से या समाज के हित में वो नहीं आते हैं तो समाज ही उनका साथ छोड़ देगा, फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी उन्हें, समाज आपके साथ है। बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल कौन है, राजभर कौन है, वो है बहुजन समाज के हैं, बिल्कुल है ना, अखिलेश यादव कौन है, अखिलेश यादव कौन है, जयंत चौधरी कौन है, जब हमारे पास ऐसे दो दो दिग्गज हों तो हमें क्या जरूरत है, छोटे छोटे जो लोग उनकी गुलामी करते हों RSS की और BJP की, उन्हें हमें जरूरत नहीं है, हमें बस हमें एक शेर चाहिए, पर बस चाहिए कि जो सम्मान दिया, सम्मान, अरे सम्मान, सम्मान कितना देते हैं अरे इससे पहले कहाँ थी अनुप्रिया पटेल जी, पिछली बार क्यों नहीं मंत्री बनाया था, जब चुनाव आ रहा है तो नजदीक आके मंत्री बना दिया, सम्मान दे दिया, और जैसे ही चुनाव निकलने दो, अभी सरकार का गठन होने दो, नई सरकार आने दो, दो साल तक इनको पूछेगा भी नहीं, कोई दरवाजे के बाहर मिलने का समय नहीं मिलता है। कहती है हम दलितों OBC सबको पिछड़ों को सम्मान देते हैं, आदिवासी राष्ट्रपति दिया, दलित राष्ट्रपति दिया, आप ये देते हैं, मेरा ये कहना है उन्हें दिया लेकिन उनको अधिकार सम्मान दिया, अधिकार तो नहीं दिया ना उन्हें OBC के लिए करने के लिए, SC ST के लिए, अरे इस बताइए इस देश में मेरी अधिकार नहीं, क्यों नहीं है, आप राष्ट्रपति की बात करते हो ना, राष्ट्रपति को जगन्नाथ मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है दर्शन के लिए, अधिकार है एक देश के प्रेसिडेंट को बाहर से दर्शन करा रहे, अधिकार है। राम मंदिर का आप इतना बड़ा मुद्दा लेके चल रहे थे, जब आप उनका निर्माण होता है वहाँ पे मोहन भागवत उसका उद्घाटन करते हैं कि आप किसी हमारे SC ST के किसी भी प्रेसिडेंट से उसका उद्घाटन नहीं कर सकते, ये सम्मान है, ये सिर्फ एक चेहरा दिखाकर वोट लेना चाहते हैं कि हम इनको कैसे बेपको, आपने देखा हो गांव में एक बिजू का बोला, आपके यहाँ पता नहीं कि हमारे यहाँ बिजू का बोलते हैं, जब गेहूं को जब लगाते हैं उनको भगाना होता है तो बीच में एक पेड़ खड़ा कर देते हैं ऐसा कि बिजू का है, तो उसको देखकर फिर लोग उसको वो करते, वैसा काम करते हैं ये लोग।
अच्छा पहले ये बारे पार्टी एकजुटता में ही तो विपक्ष हार गया, उनके पास 38 दल हैं, आपके पास विपक्ष का 26 दल, उनके पास 38 दल है ना, 38 दल में कितने दलों के मुख्यमंत्री हैं, इनमें आप देखिए कितने मुख्यमंत्री, आप उनको देखिए ना कितने प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और कितने दलों के मुख्यमंत्री हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है या दल महत्वपूर्ण है? संख्या भारी उनकी है ना। अरे संख्या तो ऐसे मैं अभी यहाँ बैठा के मैं 50 बैठा के मीटिंग कर लेता हूँ कि प्रधानमंत्री बन जाऊँगा कि बोले 50 मेरे पास बैठे हुए हैं। कैपेसिटी किन लोगों में 2024 से ठीक पहले राम मंदिर का उद्घाटन भी है तो एक जश्न के तौर पे होगा तो कहाँ? नहीं अच्छी बात है उनके लिए, अच्छा उसके लिए भी आप, हम आपसे बता रहे हैं राम मंदिर को बनाने वाले कौन थे? कटियार साहब, उमा भारती, यही लोग थे ना। लेकिन जब राम मंदिर की जब कमेटी बनी, जब उनका ट्रस्ट बना, तो उसमें ये लोग कहाँ हैं? कहाँ हैं इन लोगों के नाम कहाँ हैं? फिर ओबीसी की बात कर रहे हैं, हम ओबीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी खुश है ना राम मंदिर से? अरे खुश है तो उनको ट्रस्ट में क्यों नहीं रखा आपने? समाज वो समय चला गया कि आप उनको बेवकूफ बना लेते थे, लेकिन अब समाज सब देख रहा है 2024 में वोट की ताकत से बताएगा कि क्या होना है। डंका बज रहा है विश्व भर में, आप कह रहे हैं कि वोट की ताकत से बचा? बिल्कुल बिल्कुल डंका बज रहा है, बिल्कुल डंका बज रहा है कि मणिपुर में बिल्कुल बिल्कुल मेरी बात सुनिए, मैं आपके सवाल पर, बिल्कुल डंका बज रहा है कि मणिपुर में एक ट्राइबल की, जो आप ट्राइबल की बात करते हो कि ट्राइबल का हमने राष्ट्रपति बना दिया, ट्राइबल का हमने कर दिया, उन ट्राइबल के साथ आप क्या ज्यादती कर रहे हो? पूरे देश में डंका बज रहा है, दलितों को कैसे रोड पर मार दिया जाता है, बिल्कुल डंका बज रहा है, मध्य प्रदेश में ओबीसी के 27% की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्तियों को 10-10 लाख का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट लगा देता है, डंका बज रहा है। आप बताएं मीडिया वाली क्या बात बोल रहे हैं? न्यूज़ चैनल आप देखते हैं? देखते हैं। जब प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं मोदी मोदी के नारे लगते हैं, दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष उनका पैर छू रहे हैं। इससे पहले भी लोग जाते थे, इससे ज़्यादा लोग नारे लगाते थे, आप देखिए ना वीडियो, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी जब ये लोग जाते थे तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष झंडा, वो अपना छतरी लेके उनका स्वागत करते थे। लेकिन जब तक ये गोदी मीडिया है, ये उनको प्रचार करने का, जब तक अडानी अम्बानी के पैसे से चलने वाले जो चैनल हैं ये उनको दिखाएंगे, क्योंकि इनकी मजबूरी है, इनकी तनख्वाह वहाँ से निकलती है, और यहाँ से जब तक वहाँ से इनकी तनख्वाह निकलना बंद हो जाएगी ना, तब इनको तकलीफ होगी। इसलिए हम कहते हैं हम उन मीडिया पर विश्वास नहीं करते, हम सोशल मीडिया पर विश्वास करते हैं, सोशल मीडिया ही सच्ची मीडिया है। आपके जो देखो हमारी रीच होना चाहिए, हमें ज़रूरी नहीं कि बड़े चैनलों से होना चाहिए, आप जैसे हमारे पास छोटे छोटे चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, उनके द्वारा हमारी रीच पहुंचती है। बार बार कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए हैं। आप हाँ यही आपने बताया ना, अभी बताओ जिन अजीत पवार को आप कहते थे कि वो भ्रष्टाचारी हैं आपकी पार्टी के, जिन हेमंत बिश्व शर्मा को आप कहते थे वो भ्रष्टाचारी है आपका मुख्यमंत्री है, जिन छगन भुजबल जी को आप कहते थे उन्होंने महाराष्ट्र सदन में इतना बड़ा घोटाला किया है वो आपके मंत्री हैं, कितने के नाम गिनाओगे? ऐसा कौन सा भाव सिंह पार्टनर है आपके पास कि उधर से भ्रष्टाचारी आया और आपकी पार्टी में आते ही बॉस होके एकदम नीट एंड क्लीन हो गया, रातों रात आप सर्टिफिकेट जारी कर देते हो कि नहीं इनके पास कोई डर गया है एक मंच पर आकर बचने की कोशिश कर रहा है, खुद को बचाने की कोशिश? विपक्ष डर नहीं गया है, विपक्ष एकजुट हो गया है। जब घर घर में या किसी में, एक आपने देखा हो ना गांव में जब पंचायत होती है, लड़ाई होती है, तो पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होकर उनके साथ लड़ता है, जो होता है उनको हरा के दिखाता है। ऐसे कहाँ है विपक्ष के पास, मोदी के सामने कहाँ चेहरा? देखिए चेहरा होता नहीं है, चेहरा बनाया जाता है, जब इतनी पार्टियाँ जिसको चेहरा बनाएंगी ना वो चेहरा बन जाएगा। बीजेपी के लोग तो डंके की चोट पे कहते हैं मोदी के सामने कौन है बताइए। अरे उनके कहने भर से क्या होता है ना, 29 इतने कितने सारे मुख्यमंत्री उनके खिलाफ हैं, वो तय करेंगे कि कौन होगा प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री जब सब मिलके तय कर देंगे वो चेहरा बन जाएगा। ना चेहरा है ना मुद्दा है, ऐसा नहीं है, मुद्दे भी हैं चेहरे भी हैं। क्या मुद्दे? मुद्दा क्यों नहीं है? आप जिन भ्रष्टाचारियों की बात करते थे वो भ्रष्टाचार है, आप कहते थे मैं देश नहीं बिजने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, आपने सबसे ज़्यादा देश को बेच डाला, आपने लाल किले तक को बेच डाला, आपने रेलवे तक को बेच डाला, आपने अशोका होटल तक को बेच डाला, आपने छोड़ा क्या आपने बताया? मुद्दा नहीं है क्या? ये सबसे बड़े मुद्दे हैं, मुद्दे की कमी क्या है? देश सुरक्षित हाथों में है लगातार कहा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, सुरक्षित हाथों में नहीं है, एक बेचने वाले व्यक्ति के हाथों में, जो फटाफट बेचे जा रहा है अडानी अम्बानी के हाथों में, इनके जो दोस्त हैं अडानी अम्बानी उनके हाथों में। अच्छा इतना अगर इतनी सारी कमियां हैं तो फिर भी ग्राउंड पे मोदी मोदी क्यों हो रहा है? और उनके भर होने से क्या फर्क पड़ता है?
उनके कहने से मीडिया के दिखाने से थोड़ी होता है ना, अब 2024 में मालूम पड़ेगा कि क्या होता है। क्यों लगता है कि विपक्ष इस बार लड़ाई होगी, कांटे की लड़ाई है या कैसे? बिल्कुल कांटे की लड़ाई है। क्या लगता है कि कौन से मुद्दे हैं जो कांटे की लड़ाई हो सकती है? मुद्दा पूरा है, पूरा आप ये देखो भ्रष्टाचार बिना चेहरा सामने करे, चेहरा सामने किए लड़ाई हो सकती है? देखिए देखिए ऐसा है, एक एक दिन में तो चेहरा नहीं बनता ना, अभी छोटे छोटे दल जितने भी दल हैं सब हैं, एक साथ हो रहे हैं, सब बैठक हो रहे हैं, सब सहमत हो रहे हैं, सहमत होने के बाद फिर नाम तय आएंगे, फिर 10 नाम आएंगे, फिर 10 में से 5 को लेके आना है, 5 में से 3 को लेके आना है, 3 में से फिर 1 को चलना, एक प्रोसेस होती है हर चीज़ की, समय लगता है, लेकिन जब प्रोसेस पूरी कंप्लीट होगी आपको प्राउड फील होगा कि कौन नाम आया, पूरा देश उसके साथ खड़ा होगा।